लगातार ना खिलाए जाने पर ऋषभ पंत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इमोशनल होकर कहा है कि मुझे पता नहीं कि मेरा कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, लगातार मुझे टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। गलती सब खिलाड़ियों से होती है, लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मुझे लगातार ही टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। सभी प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, अगर वो 4-5 इनिंग्स भी निकाल देते हैं फिर भी उन्हें टीम में जगह मिल रही है, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही है। मैंने काफी अच्छी पारियां खेली है लेकिन फिर भी मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन कोई नहीं, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और भारतीय टीम में फिर से वापसी करूंगा, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में। बता दें कि ऋषभ पंत को लगातार टीम से बाहर रखा जा रहा है, उनके स्थान पर दिनेश कार्तिक को खिलाया जा रहा है। अब टीम मैनेजमेंट का ये फैसला आने वाले मैचों में गलत साबित ना हो जाए, लेकिन जो भी हो टीम मैनेजमेंट नजदीक से ये चीज डिसाइड करती है कि किसे खिलाना है और किसे नहीं। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।